ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। औरंगाबाद रेल हादसे सहित अन्य हादसों में मारे गए श्रमिकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। मुरैना के एलआरएस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा औरंगाबाद रेल हादसे में मारे गए 16 श्रमिकों सहित अन्य पैदल आ रहे प्रवासी श्रमिकों को जो दुर्घटना में मारे गए हैं उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है। इस मांग को लेकर माकपा के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पर एकत्रित होकर सोशल डिस्टेंसिंग व कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पोस्टर लेकर मांग दोहराई। इस मौके पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल सदस्य अशोक तिवारी, जिला सचिव गयाराम सिंह धाकड़, महेश प्रजापति, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता, पूर्व पार्षद इब्राहिम शाह, सिंचाई अध्यक्ष रामलखन धाकड़, कन्हैया लाल हरिओम गोयल, राम कुमार श्रीवास आदि कार्यकर्ताओं ने प्रवासी मजदूरों को सरकार से घर पहुँचाने, औरंगाबाद सहित विभिन्न दुर्घटनाओं के शिकार श्रमिकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने, प्रत्येक नागरिक के खाते में 7,500 रुपए डालने, सभी को 35 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराने की मांगें उठाएं। माकपा ने सरकार से मांग की है कि सरकार इस महामारी के समय में घोषणा करने के बजाय खास तौर से मजदूरों, गरीबों, खेत मजदूरों, किसानों को सहायता देने का कार्य करे। प्राइम न्यूज 24 के लिए जितेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।